हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वेता किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं लेकर आई हूँ चूड़ा कट्टेस, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी है। फटाफट से बन जाती है, अपने गेस्ट को या शाम के स्नैक्स में आप बना सकते हैं, लंच के लिए ले जा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं और मैं आज आपको दो तरीके से बनाना बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चूड़ा का लिया है, मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे पानी में अच्छे से वॉश कर लेना है। दो से तीन पानी में हम पोहे को वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें बॉयल्ड आलू लेना है। तो मैंने यहाँ पे चार मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैश करके, और लिया है यहाँ पे बॉइल्ड मैंने मटर लिया है। तो अभी सीजनली तो मटर बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, तो ये मटर मैंने लिया है जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, और हाथों में इस तरह से दबना चाहिए। तो बस इस तरह से मैंने मटर ले लिया है, चॉप किए हुए एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है। आप जितना भी तीखा या खाना चाहें या स्किप करना चाहें तो भी आप स्किप कर सकते हैं। ब्रेड ले लिया है मैंने, ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है, आप कोई सा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए पूरा जो चूड़ा है वो अच्छे से अब फूल चुका है। तो हम इसका इस तरह से पानी निकाल लिया है और पोहे को हम इसमें ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे एक चम्मच चाट मसाला का। चाट मसाला डालेंगे यहाँ पे, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जो इसका मेन सामग्री है, हरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, और यहाँ लिया है हरी धनिया जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इसमें। तो अभी हमें ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये ब्रेड वगैरह हमने बाइंडिंग के लिए डाला है, दो ब्रेड मैंने इतने में लिया है, तो ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो जाता है। और हमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी अलग से कॉर्नफ्लावर या वगैरह कुछ भी नहीं लेना है इसमें। तो इस तरह आप मनचाहे सेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटलेट का सेप दिया है और कुछ हर्ट का सेप के कटलेट बनाए हैं इस तरह। तो ज़्यादातर हम कटलेट वगैरह फ्राई करते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे, इसमें तो एक बूंद भी ऑयल नहीं गया है, तो मैं इसे यहाँ थोड़ा एकदम हेल्दी बनाती हूँ, जिसके इसे ऑयल नहीं खाना और डाइट के लिए आप ले रहे हो। तो इस तरह से मैंने इसमें एयर फ्रायर में लिया है, डाला है, जिसमें मैंने यहाँ पे 14 मिनट के लिए 200 में डिग्री में मैंने इसे फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो ये और एक मैं आपको ऑयल में भी फ्राई करके दिखा रही हूँ, आप जिस तरह भी आप खाना चाहें उस तरह भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, इजीली ये हो जाता है। तो यहाँ पे ले लिया है ऑयल और हमने कटलेट्स को डाल दिया है, और देखिए ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, कुछ भी हमें अलग से कॉर्नफ्लावर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और गोल्डन कलर का होने तक हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम आँच में। एक बार तेल को अच्छे से गर्म करने दीजिए, उसके बाद मीडियम आँच में आप ऑयल को कर दीजिए, जिससे कि आपका जो ऑयल है वो सही टेम्परेचर पे गर्म रहेगा। और देखिए पोहे कटलेट बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं टिफिन में, या लॉन्ग जर्नी में आप अगर लेके जाना चाहते हैं ठंड के मौसम में तो आप इसे ले जा सकते हैं, और गर्मी के मौसम में अगर आप इसे एक दो दिन के लिए कैरी कर रहे हैं तो इसमें लहसुन प्याज जो है वो मत डालिए, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए यहाँ मैंने इसको चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इतना ही हमें इसमें कलर दिलाना था, अच्छे से ये सिक चुके हैं। तो हम इसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दोनों तरह के हमारे कटलेट तैयार हैं, एक हमने एयर फ्रायर में फ्राई किया है और दूसरा जो है हमने ऑयल में फ्राई किया है। तो आप दोनों तरह से जिस तरह से आपको पसंद आए आप इसको खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ सर्व किया है हरी चटनी, धनिया की हरी चटनी के साथ और टमाटो सॉस के साथ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो आप भी बनाइए फैमिली में, फ्रेंड्स में,
किटी पार्टी में, बच्चों के टिफिन में, सफ़र पे ले जाना हो, किसी भी टाइप इस टाइम इसे इंजॉय कर सकते हैं। और अपने जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे से वीडियो रेसिपीज़ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।